नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिये के साथ हाजिर है। नाज़रीन सबसे पहले तो आज कराची में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी और आवाम ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो ये एक ज़रे यकजहती मनाई है और इस बात का अदा किया है कि पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को किसी भी सूरत में नुकसान में नहीं होने देंगे, और सलाम है उन तमाम शुरका को और जो लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं, नंबर वन। दूसरे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज मेरे शो में तीन अहम लोग हैं और उनका तारुफ भी मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले बता दूं कि आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में जो पार्लिमानी और जमहूरी हुकूमतें हैं रही हैं, उन्होंने जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए क्या किया। इसी तरह जो अवामी और आइनी हुकूमत रही है, इनको आइनी और अवामी हुकूमत भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया है। और सियासी हुकूमत है और उस सियासी हुकूमत ने क्या किया है, इसके ऊपर हमारा आज फोकस होगा। और इस सिलसिले में तीन सियासी जमातों के लोग हैं जिनमें सबसे अहम सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो इस सिस्टम का हिस्सा है, बहुत बड़ी सियासी जमात है। तीन दफ़ा उसे हुकूमत करने का मौका मिला और उसकी जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब शर्मिला फारूकी साहबा, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम सिंध। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके बाद दूसरी जो पार्टी है वो पार्टी है जो कि बज़ाहिर तो इस सिस्टम को पसंद नहीं करती है और वो कहती है कि इस सिस्टम में तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से इस सिस्टम का हिस्सा बन गई, और वो है एक और बड़ी पार्टी है और वो है तहरीके इंसाफ। उसके नुमाइंदे हमारे साथ हैं और वो हैं आजम खान स्वाति साहब, लीडर हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। और तीसरी एक सियासी जमात है, ये भी एक बड़ी सियासी जमात है, और लेकिन वो ये समझती है कि वो मौजूदा निज़ाम और मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम में इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, इसलिए वो इस इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते हैं, और वो है पाकिस्तान अवामी तहरीक। उनके नुमाइंदे हैं जनाब राजिया नवीद साहिबा। तो ये तारुफ है, लेकिन सबसे पहले मैं जाता हूँ राजिया नवीद साहिबा। राजिया नवीद साहिबा, क्या समझती हैं आपके इस मुल्क में जो पार्लिमानी हुकूमतें रही हैं या जमहूरी हुकूमतें रही हैं, इन्होंने इस जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट और दूसरे इदारों के लिए कितना काम किया है, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश, आपने मौका दिया मुझे। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। आप देखिए कि जमहूरियत की ईस्ट और वेस्ट में जितनी भी तारीफात इस वक्त मुरवजा हैं उन पर गौर करें तो जमहूरियत तीन लफ्जों पर मबनी है। रूल ऑफ मॉब, यानी अवाम अपने नुमाइंदों को चुनकर असम्बलियों में भेजते हैं और फिर उन लोगों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अवाम के मसाइल हल करें और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। मगर डॉक्टर साहब, वो शख्स जो किसी का मसला हल करना चाहता है वो उसी वक्त वो मसला हल कर सकता है जब उसको मालूम होगा कि वो मसला किस नोयत का है, किस तरह का है, या वो खुद उन हालात से कभी दो चार हुआ हो। मेरा यहाँ पर एक सवाल है और वो सवाल ये है कि आप देखिए कि एक गरीब का नुमाइंदा एक अमीर कैसे हो सकता है, एक मजारे का नुमाइंदा एक जागीरदार कैसे हो सकता है, एक मजदूर का नुमाइंदा एक सरमायादार कैसे हो सकता है, एक भूखे और नंगे का नुमाइंदा ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारने वाला कैसे हो सकता है, और डॉक्टर साहब एक लुटने वाला कैसे उसका नुमाइंदा कोई चोर लुटेरा और डाकू हो सकता है। मुझे इस सवाल का जवाब जरूर चाहिए। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो जमहूरियत कभी भी 66 सालों में पाकिस्तान में नहीं रही। यहाँ पर तो टायरनी ऑफ मेजोरिटी है, यानी 2% मराज याफ्ता तबका 98% लोगों से वोट लेकर हक के हुक्मरानी लेकर पार्लियामेंट में आकर बैठता है, असम्बलियों में आकर बैठता है, और फिर उन 98% की खातिर कोई कानून साजी नहीं होती बल्कि वो 2% तबका अपने लिए ही कानून साजियां भी करता है और अपने लिए ही चीजों को आगे लेकर बढ़ता है। डॉक्टर साहब, ये नाम निहाद जमहूरियत कह लीजिए या जमहूरी नुमाइंदे कह लीजिए, इनको अगर हम देखें तो हमें इस नाम निहाद जमहूरियत ने इस मुल्क में दिया क्या है। मैं थोड़ी सी मंजरकशी और तस्वीरकशी यहां पर करना चाहती हूं। रोटी एक
इंसान का, एक गरीब का, एक अमीर का बुनियादी हक है। मगर आप मुझे बताइए कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि वो लोग जो दो वक्त की रोटी खाने के काबिल थे, अब वो एक वक्त की रोटी खाने के काबिल नहीं रहे, फाका कश हो गए हैं लोग। डॉक्टर साहब, हमारी बुनियादी जरूरत अगर मकान है तो हमारे सरों पर छत मौजूद नहीं है, कपड़ा है तो हमारे पास कपड़ा मौजूद नहीं है, तालीम की सहूलतें इस अवाम के पास मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ा जुल्म जो इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ किया गया कि यहां पर दोहरा मेयारे तालीम राइज कर दिया गया, अमीर का बच्चा अपने स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ता है और गरीब के बच्चे को बाज का स्कूल भी नसीब नहीं होता है। डॉक्टर साहब, इलाज की सहूलतों को अगर, ये अवामी मसला है, मैं इस वक्त जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, जमहूरियत और पार्लियामानी हुकूमतों की बात करें आप, इस वक्त तो मैं जमहूरियत अवामी मसला, अवामी हुकूमत पे हूं। जब हम बिल्कुल इसमें डॉक्टर साहब, पार्लियामानी हुकूमतों की जहां तक बात है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट तो सिर्फ एक खेल तमाशे की जगह है जहां पर लोग अपना वक्त गुजारने के लिए आते हैं। ये वो जगह है जहां पर 2% मराज याफ्ता तबका आकर बैठता है और अपने लिए कानून साजी करता है। डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट बुनियादी तौर पर कानून साजी का इदारा था, मगर हम देखते हैं कि पहली बात, यहां पर कोई फैसला नहीं होता, यहां पर कोई कानून साजी नहीं होती, अगर होती है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये 7-8 माह का जो अरसा गुजरा है, आप खुद बताइए कि इस पूरे अरसे में कितने इजलास आज तक हुए, कितने वुजरा ने अपना इंटरेस्ट शो किया, और खुद वजीर आजम कितनी दफा इन इजलासों में आकर बैठे हैं और कौम के लिए कानून साजी किसी किस्म की गई है, ये लोग आते नहीं है। और अगर आए तो पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, एक दूसरे ऊपर जूते बरसाए जाते हैं, एक दूसरे को दुपट्टे फेंक दिए जाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज की जाती है, और एक या फिर किसी ना किसी इशू के ऊपर वॉकआउट करके हम वहां पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। यानी एक ऐसी मछली मंडी पार्लियामेंट को बना दिया गया है, जो एक मुकद्दस इदारा था जिसके बारे में अगर एक सेंसिबल इंसान सोचे तो वो सोचता है कि कौम का चेहरा जो पार्लियामेंट में जाता है वो किस किस्म का चेहरा वहां पर जाता है। और फिर पार्लियामेंट चंद एक खानदानों के हाथों में है, यरगमाल बनी हुई है, पार्लियामेंट में वही कुछ होगा जो वो चंद एक लोग जो वहां पर बैठे हैं वो चाहेंगे। अगर वो चाहेंगे कि फैसला उनके हक में हो तो उन्हीं के हक में होगा। और सब पहले तो फिर ये भी होता था कि चले पार्लियामेंट में बैठकर कोई कानून साजी की जाती थी, अब तो हालात यहां पर आ गए हैं कि एक फर्द वाहिद खुद ही कानून पास करता है और अमल दरामद का हुक्म भी दे देता है। जैसे 2.5 करोड़ की लिमिट 50 अरब तक पहुंचा और 24 घंटों के अंदर अंदर ये एक फैसला, ठीक है, मैं आता हूँ आजम खान स्वाती की तरफ। अब आजम खान स्वाती साहब से पूछता हूँ, आजम खान साहब की तरफ क्या कहते हैं, पार्लियामानी हुकूमतों ने और जमहूरी हुकूमतों ने इस मुल्क में जमहूरियत की और पार्लियामेंट यानी दूसरे इदारों की कितनी इज्जत अफजाई की है, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये गुफ्तगू करूंगा और अपने दलाल पेश करूंगा तो मैं कतान भी डिक्टेटरशिप की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि वो हकायक जो जमहूरी आईनी हुकूमतों ने हमारे लिए पैदा किए और उस तनाजर के अंदर जो है मेरी बात होगी। सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो तक जो हालात थे, आपको मालूम है कि हम एक आईनी जद्दोजहद के अंदर जो है लगे रहे और हुकूमतें रातों रात तब्दील होती रहीं। मेरा यह ख्याल है कि इतने जूते तब्दील नहीं हुए जितनी हमारी हुकूमतें तब्दील हुई। उस पर बहस करना वक्त की नजाकत के साथ या वक्त की कमी के तहत जो है वह नहीं कर सकता। जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब 1971 के अंदर आए तो उनके लिए कराक्रम की चोटियों जैसे मसाइल थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 90,000 कैदी थे, आपकी मईशत माशरत तकरीबन खत्म हो चुकी थी, बहुत सारे इलाके जो थे वो इंडिया के कब्जे के अंदर थे, खुराक की कमी थी, बहुत सारे मसाइल थे, उस पर बात करना जो है मेरा ख्याल है बेसूद होगा। लेकिन जमहूरी और आइनी हुकूमतें जब ज़ियाउल हक के बाद नवाज शरीफ साहब आए, उसके बाद फिर बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आई, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आए, उसके बाद फिर पीपी की हुकूमत बनी और अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उस पर बहस जरूर करूंगा। इसलिए कि आज जो कौमी सलामती से मुतल्लिक हमारे मसाइल हैं उसमें बुनियादी मसला टेररिज्म का है और उसके बाद करप्शन, इनएफिशिएंसी और मिसमैनेजमेंट का। जब ये सारी आईनी और जमहूरी हुकूमतों का उस तनाजर के अंदर आप मुताला करेंगे तो हकायक हमको ये बताएंगे कि करप्शन अपनी इंतहा तक थी, नाहली कोई दास्तान बयान नहीं कर सकते, मिसमैनेजमेंट, और मैं किसी के ऊपर जो है किसी की जात पे हमला नहीं करना चाहता, लेकिन तारीख और हकायक इस बात की गवाही देंगे। और मैं इन हुकूमतों को का तजिया जो है सिर्फ एक शेर से करना चाहता हूँ, क्योंकि जबानी मुझे शेर याद नहीं होते, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ता हूं आपके नाजरीन के लिए, और बिल्कुल ये शेर जो है उनकी अकासी करता है।
कि समुंदर, तेज तूफानी हवा, टूटी हुई किश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि उस पे ना खुदा तुम हो। और ये चार हुकूमतों की तरफ जो है, चार जो जमहूरी आईनी हुकूमतें जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उनकी तरफ कह रहे हैं। नहीं, मैं आईनी तो गया नहीं हूं, अभी तो मैं पार्लियामानी गया हूं। पार्लियामानी इदारों को कितना मजबूत किया, जमहूरियत को कितना मजबूत किया? अगर रिलेटेड क्वेश्चन पे, अगर उसका सिलसिलावार आप देख लें, जो बीबी ने फरमाया कि रूल ऑफ लॉ किस हद तक था, करप्शन किस हद तक जो है वो कंट्रोल थी, तो मेरा ये ख्याल है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं। ठीक है, मैं जरा इसलिए मैं समझता हूँ, मैं शर्मिला फारूकी से पूछ लेता हूँ क्योंकि इस निजाम का हिस्सा है। क्या कहती हैं जनाब, इस मुल्क में जमहूरी हुकूमतों ने जमहूरियत की कितनी खिदमत की और पार्लियामानी हुकूमत जिसे कहते हैं उसने इदारों की कितनी इज्जत अफजाई की? क्या कहेंगे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जब आप बात करते हैं पार्लियामानी निज़ाम की और एक जमहूरी हुकूमत की, तो फिर उस जमहूरी हुकूमत और पार्लियामानी सिस्टम की आप बात करें जो जिसका असल तसव्वुर ही जमहूरी हो। इस मुल्क में तो जब जनरल मुशर्रफ आए या उससे पहले ज़ियाउल्लाह आए और इस मुल्क को इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई, उससे पहले जनरल अयूब के दौर में, फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में, जो तमाम दौर गुजरा और उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, बीबी की आई, कोई 1.5 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल ये तो चलने नहीं दिया। 2008 से 2013 तक पहली दफ़ा कई अदवार बाद एक जमहूरी पार्लियामेंट्री हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए। और उस दौरान अगर आप देखो, साहब का दौर भी था जिसमें, नहीं मैं कह रही हूँ ना, कई अदवार, ग्रेट दौर था, उसको तो कोई भूल नहीं सकता। वो तो मेरा ख्याल है कि वो तो एक तारीख, दौर लोग कहते हैं, वो तो तारीख में, वो तो तारीख का एक सुनहरा दौर था ना। मैंने कहा ना, ये जो 2008 से 13, ये कई अदवार बाद एक हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे करे हकीकी मायनों में। और उसमें भी आपने देखा कि आपस में जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, उनके अंदर एक किस्म का तनाव ही रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में आईन तो है और आईन के तहत इदारों का दायरा जो अख्तियार है वो भी वाज़े है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी वो वक्त नहीं मिला इन इदारों को कि वो अपनी एरियाज डिफाइन कर सकें आईन की रूह में रहते हुए। 18वीं तरमीम के जरिए वो जो तमाम अमेंडमेंट्स एक डिक्टेटर ने की थी, वो दोबारा से इस पार्लियामेंट ने, 2008 वाली पार्लियामेंट ने उसको रेक्टिफाई किया। फिर जो तमाम पावर्स एक यूजर्पर ने, एक डिक्टेटर ने अपने पास कर लिए थे, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने वॉलेंटरली पार्लियामेंट को दिए ताकि पार्लियामान जो है वो मजबूत बने। उसके साथ साथ जो मैं समझती हूँ कि एग्जेम्पलरी लेजिस्लेशन हुई खवातीन के हवाले से, वो आज तक किसी मुल्क में नहीं हुई डॉक्टर साहब। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान के मसाइल कुछ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म के हवाले से, अगेन करप्शन के हवाले से, और मुख्तलिफ सूबों की जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो हम कहते हैं कि सूबे खुद मुख्तार हो गए, लेकिन आज तक सूबों को वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उस तरीके से वो अख्तियार इस्तेमाल करने का आज भी वो सीख रहे हैं। सूबे जो हैं वो ट्रायल एंड एरर के जरिए सीख रहे हैं। तो आज जब हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान के बन, हाँ देखे ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो हकीकी मानों में जो कंकरेंट लिस्ट है अब अबॉलिश हुई है ना, डेवोल्यूशन हुई है 66 साल में जमहूरियत कहीं एस्टेब्लिश हुई, इट्स सो अनफॉर्चुनेट दौर में कहीं नजर आती है आपको? डॉक्टर साहब, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि यू नो आफ्टर 67 इयर्स हम बैठ के आज भी कह रहे हैं कि जी तालीम का निजाम दोहरा है। आज हम ये भी कह रहे हैं, आज हमें बैठ के जस्टिफाई करना पड़ता है जी शरिया क्या है, आपकी शरिया क्या है, हमारी शरिया क्या है, तालिबान की शरिया क्या है। आज भी हमें बैठ के जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो एक आम शहरी को मुहैया होनी चाहिए, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी होनी चाहिए, वो पाकिस्तान की एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है, वो मौका नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मायूसी होनी चाहिए। आज भी देखिए, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो करप्शन फ्री है। हाँ, करप्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो मजबूत कर सकते हैं। मैं मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा ना। मैंने यहाँ पे 3 अहम मेहमान, जैसे मैंने जिक्र किया, मैंने रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है कि मैं, ये तीनों मुख्तलिफ किस्म के मेहमान हैं। एक वो जो इस निज़ाम को मानते ही नहीं है, वो कहता है कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस से जो भी हुकूमत का हिस्सा बनेगा
वो कुछ नहीं कर सकेगा, ये निजाम जब तक नहीं बदलेगा। दूसरा ये कहता है कि बिल्कुल इस निजाम को तब्दील होना चाहिए क्योंकि ये निजाम डिलीवर नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनकर इस निजाम का हिस्सा बन गया। एक जो मुकम्मल तौर पर इस निजाम का हिस्सा है और इस निजाम को आगे लेने चाहता है और तीन दफा इस मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहा है। और हमारा सवाल जो है पहला था कि जनाब क्या जमहूरियत के जमहूरी हुकूमतों ने जमहूरियत के लिए कुछ किया, क्या पार्लिमानी हुकूमतों ने पार्लिमानी और दूसरे इदारों को मजबूत किया, उसके लिए आपने बहस सुना। अब मैं जाऊंगा जो सवाल लेके कि क्या इस मुल्क में अवामी हुकूमतों ने अवाम के लिए कुछ किया और आईनी हुकूमतों ने आईन की कितनी पासदारी की है, यह सवाल लेकर अब जाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक पे वापस आता हूं। वेलकम नाज़रीन, दो बातें यहाँ करूँगा नाज़रीन। एक बात तो ये है कि अब वाज़े अब फ़र्क आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान से मोहब्बत कौन करता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन है, अब ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आज जो हम ये सवालात उठा रहे हैं, ये मेरा काम सिर्फ सवाल उठाना है, ये तीनों क्या बोलते हैं इसका फ़ैसला आपने करना है। जी राज़िया नवीद साहिबा, क्या कहती हैं इस मुल्क की आइनी हुकूमतों ने आईन की कितनी पासदारी की और अवामी हुकूमतों ने अवाम के कितने मसाइल हल किए? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे इन दो अल्फाज के ऊपर एतराज है, आईनी हुकूमतें। यहां पर कभी आईनी हुकूमत नहीं रही है, गैर आईनी इलेक्शन कमीशन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कैसे आईनी हो सकती है? और फिर आईन के आर्टिकल 62-63 के मोटे मोटे सुराखों वाली छलनी में से छन कर ये लोग आज हमारे सामने मौजूद हैं। और ये वो आर्टिकल्स हैं जिनका जिक्र डॉक्टर ताहिरुल कादरी 23 दिसंबर 2012 से ऑनवर्ड करते चले आए हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि उन तमाम आइन के आर्टिकल्स की पामाली करते हुए हमारे सामने ये लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान में कभी आइनी हुकूमतें नहीं रही हैं, बल्कि हमेशा धन धौंस और दांधली की बुनियाद पर ये हुकूमतें बनी और इन्होंने रूल किया है। मैं यहाँ चंद एक मिसालें आर्टिकल की आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जितनी बेहुरमती इन आइनी नाम निहाद आइनी हुकूमतों ने आइन की है, किसी और इदारे ने, किसी और फर्द ने इतनी बेहुरमती और इतनी तजलील इन आइन के आर्टिकल्स की नहीं की है। आप देखिए कि आइन का आर्टिकल 3 है जो ये बात करता है कि हर फर्द को उसके काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत दी जाए, उससे काम लिया जाए और उसको उसका मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर साहब, कहां पर ये चीजें नजर आती हैं? कहां है काबिलियत? और जो काबिल हैं वो बेचारे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं इसलिए कि उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक यहां पर कुछ दिया नहीं जाता। डॉक्टर साहब, आइन का आर्टिकल 9 ये बात करता है कि हर फर्द को उसकी जान, उसके माल, उसकी आबरू का तहफ्फुज दिया जाए। मुझे बताएं कि किसकी इज्जत महफूज है, किसकी जान महफूज है, किसका माल महफूज है? ये पूरी कौम चंद एक लोगों के हाथों में यरगमाल बनी हुई है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आइन के आर्टिकल्स की बात करूं तो मैं आपके सामने ये चीज रखना चाहती हूं कि आइन का आर्टिकल 11 हो, 14 हो या 16, किसी एक की पासदारी नहीं हो रही है। आइन का आर्टिकल 19 ये कहता है कि अवाम को रसाई दी जाए उन तमाम मामलात तक और उन तमाम इतलात तक जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मगर आज तक किस इशू के ऊपर अवाम को एतमाद में लिया जाता है और उनको सही और फहम और सही नॉलेज जो है किसी भी इशू के हवाले से वो पहुंचाई जाती है। इसी तरह डॉक्टर साहब, अगर आगे हम देखें तो आयन का आर्टिकल 24 है, 25 है, 27 है, इवन के आप आयन का आर्टिकल 31 और 32 उठाकर देखें उनकी पामाली किस तरह से हो रही है। यहां पर आयन का आर्टिकल 38 बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, रोजगार, तालीम के हवाले से बताता है, रोजगार के हवाले से बताता है कि ये शहरियों को मिलना चाहिए, मगर डॉक्टर साहब यहां पर किसको ये सहूलतें मिल रही हैं? और सबसे बड़े अगर मैं देखूं तो जिस तरह से 62-63 और 218 की खिलाफ वर्जी करके ये हुकूमतें वजूद में आई हैं, आज हम उसका खमियाजा और ये पूरी कौम उसका खमियाजा बड़े अच्छे तरीके से भुगत रही है। आइन का आर्टिकल 65 जिसके तहत हर हुक्मरान आकर अपना हलफ उठाता है और उस हलफ में वो ये कहता है कि मैं हमेशा पाकिस्तान का वफादार रहूंगा, मगर डॉक्टर साहब बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि 66 सालों के बाद आज पाकिस्तान जिस सतह पर आकर खड़ा हो गया है, ये कौन सी वफादारी है, ये कैसी मोहब्बत है इस मुल्क के साथ कि आज हमारे पाक अफवाज के जवान भी शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग रोज बरोज मर रहे हैं, उनकी लाशें उठ रही हैं। अवामी हुकूमत बताइए, अब
अवामी हुकूमत पे फिर मैं आगे जाता हूँ। अवामी हुकूमत, अवाम को क्या दिया? डॉक्टर साहब, अवामी हुकूमत, ये तो सो कॉल्ड अवामी हुकूमतें हैं, अवामी हुकूमतों ने क्या दिया है? पहली बात तो ये कि हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि इन चंद एक चेहरों के अलावा कभी कोई इलेक्शन में आया है, कभी किसी को ये रास्ता फ्राहम किया गया है कि वो आए और आकर बैठे और मसले हल करें? हमारे मुल्क में टैलेंट है, काबिलियत है, लेकिन कभी उस काबिलियत को इस सतह पर आने नहीं दिया गया कि वो मसाइल हल करें। और ये जो सारी चीजें मैंने अभी बयान की हैं कि लोग रोटी को तरस गए हैं, कपड़े को तरस गए हैं, अपने घर के लिए तरस गए हैं, तालीम के लिए तरस गए हैं, इलाज की सहूलतों के लिए तरस गए हैं, रोजगार। और मैं रोजगार पर डॉक्टर साहब एक बात जरूर अर्ज करना चाहूंगी, आप देखें कि हमारे नौजवान नस्ल जो डिग्रियां लेती है, जिनके वालिदैन सारी जिंदगी की पूंजी उनकी तालीम पर लगा देते हैं, डिग्रियां लेकर निकलते हैं, तो वो मजबूर होकर इन हालात से डिग्रियों को फाड़ते भी हैं, डिग्रियों को जलाते भी हैं, और ब्रेन ड्रेन इतनी तेजी से हो रहा है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और जब यही नौजवान नस्ल भूख, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने खानदान की जरूरतें पूरी करने के लिए दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो फिर ये वही लोग हैं जो अपने सीनों के साथ बांधकर ये देखे बगैर कि हमारी जान जा रही है और हमारे साथ। ठीक है, आजम स्वाति साहब, क्या समझते हैं अवामी हुकूमतों और आईनी हुकूमतों ने आईन के लिए और अवाम के लिए क्या किया? मेरा ये ख्याल है कि मुहतरमा ने जो बातें की हैं मैं उनको आनर करते हुए चंद अपनी मुनासिबत से जो है चंद बातें मजीद इसके अंदर एड करना चाहूंगा कि आईनी और अवामी हुकूमतों ने आवाम को स्वाए जिल्लत और रसवाई के, भूख के, अफलास के, बेरोजगारी के, मेरा ये ख्याल है कि और कुछ नहीं दिया। और उसकी जिंदा मिसाल आप उन फिगर से या उन हकायक से आप देख सकते हैं। हमारे लिए, मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन वो हकायक आपके सामने लाता हूं। और मुसीबत यह है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बाकायदा तौर पर आईपैड के ऊपर वो तस्वीर बताऊं जो हमारी जबूहारी की असली तस्वीर है कि डिक्टेटर्स ने हमें बेहतर तालीम दी और उसके मुकाबले में आईनी और अवामी हुकूमतों ने तालीम के मसले के अंदर वो फेल हुए। करप्शन उनके मसले में कम थी, हमारी किस्मत पे ये ज्यादा आई। जानो माल की हिफाजत उनके वक्त पे बेहतर थी, हमारे हिसाब किताब के अंदर जो आई आज जो तबाही जिसको हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, मैं वह तस्वीर कभी भी अपनी आंखों के सामने दूर नहीं कर सकता कि जब डिस्प्लेस्ड लोग आज जो नॉर्थ वजीरिस्तान से मासूम बच्चे जिनके चेहरे तो सुर्ख हैं लेकिन उनकी आंखों के अंदर जो है नाउम्मीदी है, आज हम देख रहे हैं कि करप्शन की हालत यह है कि जिस कानून को मैंने सागदार साहब ने और कई और सेनेटर ने पीपल पार्टी के ऊपर यह कदगन लगाई कि इस सतह से ज्यादा वो कर्जा जो है वो अपने बैंकों से नहीं ले सकेंगे, उसकी धजियां उड़ा के रख दी हैं। आज हमने ये कदगन लगाई राजा परवेज अशरफ के ऊपर कि 54-56 अरब रुपया जो सावधिदी फंड है, बाकायदा तौर पर तकारीर इस बात की, सेनेट की तकारीर इस बात की गवाही देंगी। आज हमारी ये अवामी और आईनी हुकूमत नाम की हुकूमत जो हमारा इलेक्शन चोरी करके आई है, आज उसकी हालत आप देख लें कि वो बाकायदा रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कतगन लगाई थी कि सावधिदी फंड चूंकि अवाम की बहबूद के लिए खर्च नहीं होता, एक आदमी शहनशाहियत के फरमान के मुताबिक खर्च करता है, आज उसको दोबारा जो है वो लाया जा रहा है। आज करप्शन की जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये वही प्राइवेटाइजेशन है कि जो मोल खानदान के पहले दौर के अंदर, दूसरे दौर के अंदर और तीसरे दौर के अंदर, मेरे पास पूरी लिस्ट है, जो लिस्ट आप अगर वक्त इजाजत दे तो मैं आपको बताऊं कि 3 मिलों का, 3 फैक्ट्रियों का मालिक आज जिस हिसाब से अपने अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क जो है अपने असासे, जो बेनामी के असासे, और मैं बड़ा एक बमशेल आपके इस प्रोग्राम के जरिए फेंकना चाहता हूं। मेरा यह ख्याल है कि आपके नाजरीन सुने इस बात को, आपके इस प्रोग्राम को सारी दुनिया सुन रही है कि मैं मौजूदा हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि आपका एक वफाकी वजीर 4-5 मील रेडियस के अंदर इस इस्लामाबाद के अंदर 4 अरब रुपए से ज्यादा उसके पास चोरी का माल है, बेनामी का माल है, जिसको इमरान खान कहता है,
ब्रदर इन लॉ के नाम पे रखा हुआ है, दोस्त के नाम पे रखा हुआ है, गनमैन के नाम पे रखा हुआ है, ड्राइवर के नाम पे रखा है, खुदारा। और मैं उस दिन किसने रखा है ये? नेप के चेयरमैन के पास। सुने जरा, मुझे रोके नहीं, चेयरमैन नेप के पास में गया और उसको मैंने रुदात सुनाई। हंसी की बात है कि मुझे कहने लगे कि कर्नल रिटायर्ड जो है वो इसकी तफ्तीश करेगा। खुदारा मेरे इस मुल्क को करप्शन की वजह से जो दीमक लगी हुई है, टेररिज्म के बाद मेरा जो मिशन है अपने मुल्क को अपनी बसात के मुताबिक बचाने के लिए, ये वो करप्शन है जिसके अंदर हमारी आईनी नाम तो बताएं, और हमारी ये जो अवामी हुकूमतें हैं इनका बराबर का हिस्सा रहा है। इन्होंने थानों को बेचा है, इन्होंने सरकारी मुलाजिमतों को बेचा है, इन्होंने जो हमारे कीमती इदारे थे PIA स्टील मिल, इनमें जो तबाही सिर्फ अपनी जात के लिए जो है की है, आईन की पासदारी के लिए नहीं, ठीक है, आवाम की बहबूद के लिए नहीं, ठीक है। नाम नहीं बताया आपने, मैंने नाम पूछा था कि ये 400 का आपने जो फिगर दिया था कि मुख्तलिफ लोगों के नाम पे रखा है, किस बंदे का नाम है? सर मैं नाम तब लूंगा कि जब मुझे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का बड़ा कोई तकड़ा वजीर, मेरा नंबर सबके पास मालूम है, मुझे आपके कहेगा कि इस मुल्क के खजाने का देखें, ये हुकूकुल इबाद है। सर नाम बताएं, नाम अवामी अवामी अदालत है, नाम बताएं सर। तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। अवामी अवामी अदालत है, नाम बताएं सर। नाम बताएं आपके इस प्रोग्राम के वसातत से मैं कहता हूं ना, मैंने पहले कभी झूठ बोला है? नाम बताएं सर, नाम आज झूठ बोला? नाम बताएं। खुदारा नाम बताएं। नवाज शरीफ साहब मुझे खुद बुलाएं, डॉक्यूमेंट के साथ आकर ये साबित कर सकता है। यानी आप अवाम, ये प्रॉपर्टी अवाम मोतबर नहीं है आपके लिए? नवाज शरीफ ज्यादा अहम है, अवाम मोतबर नहीं है? सुने, हंसी की बात है, हंसी की बात है कि उस शख्स ने इस दफा जो टैक्स दिया है, अब मेरे पास नहीं, नहीं, नाम बताएं सर, जो नाम बताएं। इलेक्शन कमी सर, थोड़ा एक मिनट जरा रुके, इलेक्शन कमीशन में मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन मुझे नाम बताएं सर, सऊदी साहब बराबर है, 10,000 से कम उसने टैक्स दिया। चले ठीक है जनाब, मैं आप नाम वजीर आजम को बताइए, आवाम को ना बताइए, क्या कहती है शर्मिला साहिबा, वजीर आईनी हुकूमत और आवामी हुकूमतों की बात हो रही है, ठीक है, उससे पूछे, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताऊं और उसको सजा मिलनी चाहिए, तो नाम तो बताएं। चले शर्मिला बताएं सर, नाम मुझे नहीं पता किसका जिक्र कर रहे हैं, नाम नहीं बता रहे, में भी बता लेकिन अगर इतनी डॉक्यूमेंट के पास शवाहिद है तो अगर इनको कोई सुनीरा यहाँ आवाम के सामने बताने को तैयार नहीं है तो अदालत में ले जाएं, नैब के पास तो चले गए, अदालत का भी दरवाजा। क्या कहते हैं आप आईनी हुकूमतों के बारे में बताया? ठीक है साथी साहब, ठीक है साथी साहब, ठीक है साथी साहब, ठीक है जी जी शर्मिला, आवाम ना ही इतनी बेवकूफ है और ना ही इतनी बेचारी कमजोर है कि वो अपने सही नुमाइंदे ना चुन सके। अपनी जगह हर किसी को शिकायत होगी कि इलेक्शंस में कहीं ना कहीं रिगिंग हुई, बिल्कुल हो सकती है चंद एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन बाय एंड लार्ज आपके पास एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन था और वो आपको इसी पुरानी पार्लियामेंट ने ही दिया था, और तमाम पार्लियामेंटेरियंस मिलकर तमाम जमातों के उन्होंने ये आईनी तरमीम करी और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन आया। उसके बाद जब फखरुद्दीन जी इब्राहिम आए तो हर किसी ने उसका खैर मकदम किया, बशमूल स्वाति साहब की जमात में। जहां तक बीबी का ताल्लुक है तो आईन की पासदारी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आईन की नहीं, मैं आईन की जहां तक शिकों का ताल्लुक है तो वहां पर आईन में एक और शिक ये भी है कि आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। आईन के अंदर एक और शिक भी है कि आप ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं रख सकते। बीबी ने कहा कि जी वही चेहरे जो है वो घूम फिर के आ जाते हैं इलेक्शन में, ड्यूअल नेशनैलिटी के लिए आईन ने मना नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन के लिए। इलेक्शन में वही तो कह रही हूँ ना, मैं इलेक्शन की बात कर रही हूँ, तो बीबी ने कहा कि वही चेहरे घूम फिर के आ जाते हैं, कोई नए चेहरों को आने की। बीबी बीच में ना बोले, बीबी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, अपने टाइम पे अपनी बारी पे बोले। देखिए जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन हर किसी के लिए इलेक्शन हर किसी को वेलकम करता है, इलेक्शन हर किसी के लिए खुला था, मैं तो समझती हूँ कि इनके जो लीडर हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब वो अपनी कैनेडियन नेशनैलिटी छोड़ते और इलेक्शन में हिस्सा लेते। ये तो किसी ने रास्ते बंद नहीं करे किसी के, ये तो आपकी मर्जी कि आप इलेक्शन में आपकी जमात नहीं आई, आप आते पार्लियामेंट में बैठते, और पार्लियामेंट वो एक ऐसा फोरम है, पब्लिक फोरम है जहाँ आपकी सुनी भी जाती है।
नहीं देखिए मैं तो ये समझती हूँ, आप तो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन सबसे ज्यादा ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ जो हाउस है वो तो गायब रहता है, नहीं वो कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने तो बाहर लगा लिया ठेला पार्लियामेंट के बाहर, नहीं लगाया क्या? डॉक्टर साहब मैं इस बात पे अग्री कर रही हूँ, बीबी का सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ, उन्होंने कहा कि ये था कि आईन की पाबंदी नहीं, 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 उन्होंने कहा कि जी वो यही चेहरे आ जाते हैं और किसी को आने की इजाजत या गुंजाइश नहीं, गुंजाइश और इजाजत तो है, अब अगर आप खुद अपनी मर्जी से नहीं आना चाहें तो ये आपकी मर्जी। दूसरी बात बिल्कुल सही है, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो तीसरी बार इलेक्ट होके आए हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आए, किसी पॉलिसी के ऊपर स्टेटमेंट दें, क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएं, वो चोलिस्तान में बैठ के महफिल मौसीकी सुनना उनको उसका टाइम है, लेकिन पार्लियामेंट में आना जो सबसे बड़ा मोतबर फोरम है जहां पर अवाम मुंतजर है कि वो बताएं जी आज आपकी दहशतगर्दी के हवाले से क्या पॉलिसी है, आज आपकी एजुकेशन के हवाले से क्या पॉलिसी है, आज आपकी हेल्थ के हवाले से क्या पॉलिसी है, आपके वुजरा फेडरल मिनिस्टर्स गायब होते हैं, वो तमाम लोग जो पिछली हुकूमत में जब ऑपोजिशन के अंदर थे तो जनाब कभी कॉपियां फाड़े होते थे, कभी न जाने क्या क्या कर रहे होते थे, दस्तों गिरेबा हो रहे होते थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो थे वो मेरा ख्याल है कि वो उनका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा कि जनाब वो हर पार्लियामेंट के सेशन में थे और हर जनाब क्वेश्चन आंसर सेशन में मौजूद होते थे और जवाब देते थे। आज हमें एक फेसलेस पार्लियामेंट नजर आ रही है, वी डोंट हैव अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब अगर आज कौम देखना चाहती है कि आपका लीडर ऑफ द हाउस कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, तो दे डोंट नो, कभी वो दौरे पे होते हैं, उनके छोटे भाई दौरे पे होते हैं, मतलब दौरे पे दौरा और दौरे पे दौरा उसी का दौर चल रहा है, मसरूफ है ना, कुछ बहुत ज्यादा मसरूफ। तो देखे ना, अगर आप उस पार्लियामेंट को जिसमें आप इतनी जद्दोजहद के बाद इलेक्ट होके आए हैं अगर आप उसको टाइम नहीं दे सकते तो फिर आप किस चीज को टाइम देंगे। और ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही के बात, फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है वहां, समधी आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहां बेटी जो है वो आपकी प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम की चेयरपर्सन है, वहां सारे सारे एक बड़ी बकायदा एक पोस्टर बना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, अगर आपने देखा होगा वो सोशल मीडिया पे बहुत दफा आया, उसमें वो पूरे रिश्तेदारों की तस्वीर दी कि कहां कहां कौन से कौन कौन लोग बैठे हुए, बहुत ज्यादा है। मैं इस वक्त ब्रेक पे जा रहा हूँ, नाज़रीन ब्रेक पे आने बाद से पूछूंगा कि सियासी हुकूमत ने सियासत के साथ क्या किया है, एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी राजिया साहबा, एक आखिरी मेरा जो सवाल है वो ये है कि सियासी हुकूमतों ने सियासत के साथ क्या किया, ये बताइए आप। डॉक्टर साहब मैं चंद एक सेकंड में एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहती हूँ। जी जल्दी से। पाक फौज ने अभी जो ऑपरेशन आज खुद ऑपरेशन जो किया है उस पर पाकिस्तान अवामी तहरीक उनसे इजहार यकजहती भी करती है और उनके साथ खड़ी है, और दूसरा इस हकूमत के लिए मैं तो शेम शेम ही कहूंगी कि 23 जो अहलकार इतने अलमनाक तरीके से शहीद किए गए उसके बाद भी हकूमत ने इस हवाले से नहीं सोचा। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूं कि देखें सियासत बुनियादी तौर पर अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट में देखें तो एक इबादत का दर्जा रखती है और एक खिदमत का दर्जा रखती है, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सियासी जमातों के हाँ इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। सियासत को ना तो इबादत समझा जाता है ना खिदमत समझा जाता है, बल्कि सियासत को सिर्फ और सिर्फ एक तिजारत समझा जाता है। लोग इसमें आते हैं, करोड़हा लगा कर आते हैं और खरब हा कमा कर यहां से जाते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है जिसको अडॉप्ट किया हुआ है, आना और जाना और फिर बहुत अवाम की जेबें खाली कर जाना और अपनी जेबें भर जाना। यहां पर डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात मैं जरूर अर्ज करूंगी कि आप देखिए कि ये जो सारा टोला है, ये जो सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो क़ियामे पाकिस्तान के खिलाफ थे पहले। अगर ये यंग जनरेशन यहां पर मौजूद है तो इनको इनके आबा अजदाद थे जो पहले क़ियामे पाकिस्तान के मुखालिफीन में से थे और ये यूनियनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे। जब इन्होंने देखा कि क़ियामे पाकिस्तान अब हो रहा है, पाकिस्तान बन जाएगा, तो फौरी तौर पर मुस्लिम लीग में शामिल हुए, और ये वो लोग हैं जिनके बारे में हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला ने खुद फरमाया था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। और डॉक्टर साहब आज इन खोटे सिक्कों ने पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी औलादों को प्रमोट करना, अपनी औलादों के लिए सोचना, इसको इन्होंने सबसे नंबर वन पे इसी चीज को रखा हुआ है।
एक आम शहरी चाहे वो नौजवान कितना ही काबिल क्यों नहीं है, कितना लायक क्यों नहीं है, क्योंकि वो किसी वजीर का, किसी वजीर आजम का, किसी सदर का बेटा नहीं है, इसलिए उसका कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट में आकर बैठे या किसी बड़ी जगह पर जाकर बैठ सके। और दूसरा, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जुल्म की एक इंतहा है कि ये इस वक्त पाकिस्तानी सियासत जो है वो जागीरदारियत, सरमायादारियत और इन चीजों का और बिरादरी। ठीक है, मैं वक्त का मैं आता हूँ, मैं वक्त का मैं राजिया आजम खान स्वाती साहब क्या कहते हैं, सियासत को सियासी जमातों ने क्या बना दिया है, इबादत, खिदमत या कुछ और? दुख की बात है डॉक्टर साहब के हमने चार डिक्टेटर इसी खिदमत के नारे के तहत हमने चार डिक्टेटर को अपनी तारीख के अंदर जो है हटाया, और फिर जब हमें मौका मिला इस खिदमत का तो हमने अपनी जात की खिदमत जो है वो बेहतर तौर पर की, जिस तरीके से आज नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है आपकी मईशत की, 2.5 बिलियन इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट है, जबकि पिछली हुकूमत के अंदर जो था इसी अरसे के अंदर 7-8 माह के अंदर जो था 44 मिलियन था, उसका मुआवजना 2.5 बिलियन से करें। प्राइवेटाइजेशन का जो डंडोरा IMF के एजेंडे के तहत जो है औने पौने बिका जाएगा, जिस तरीके से पहली दो हुकूमतों में नवाज शरीफ ने किया है, उसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पहली अपनी हुकूमत के अंदर एक शुगर मिल को 1 रुपया टोकन मिल पर इन्होंने बेचा था। ये सफाक हैं, ये फ्राडिये हैं। अल्लाह ताला आवाम को ऐसी खिदमत से बचाए, ऐसी जमहूरियत से बचाए, ऐसी पार्लियामेंट से बचाए जहां 1172 पार्लियामेंटेरियन का टोटल टैक्स जो है 25 करोड़ रुपया जो है इस मुल्क के खजाने के अंदर जो है जमा होता है। बहुत अच्छे अच्छे सेनेटर और बहुत अच्छे नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबर, सबकी बात नहीं करता, आधे से ज्यादा सेनेटर के पास गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां नहीं है। ठीक है, जिस घर के अंदर रह रहे हैं चोरी का घर है। मैं थोड़ा सा शर्मिला का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं, वहां पर मैं शर्मिला का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। लैंड क्रूजर आती है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लास्ट सेशन है। सफाकी है ये, खिदमत नहीं है, नहीं है। क्या कहेंगे शर्मिला सियासत के बारे में? देखिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ आपके ब्यूरोक्रेट्स की भी होनी चाहिए, ऐसे भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए जुडिशरी की बड़े छोटी ग्रेड के ऊपर हैं, लेकिन माशाल्लाह बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, जुडिशरी के लोग हैं। देखिये, पहली बार तो पिछली हुकूमत में ये हुआ कि आपके डिफेंस का बजट डिस्कस हो रहा था, आपकी आर्मी के चीफ और आपके ISA के चीफ आपके सामने, पार्लियामेंट के सामने हाजिर था, बता रहा था कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, आपको याद होगा एक जो इन कैमरा सेशन हुआ था। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे डकैती नहीं होनी चाहिए, ये जो पर्सनलाइजेशन हो रही है और जो ये आप अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जो आने पौने दाम जो इनके शेयर्स जो है आप वो फरोख कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अपने 200 यारों में कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तरीकेकार नहीं होता, आप उनके बोर्ड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करें, आप उसके अंदर प्रोफेशनल टीम्स को लेकर आए, और जो ये कहा गया था इश्तेहार दिए।